प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। ये क्लास थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू कारण डिले हो गया। कल से अपने टाइम पर 6:30 बजे शाम में चलेगा NTPC का अर्थमेटिक, और सुबह 11 बजे चलेगा कैलकुलेशन स्किल। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका बेसिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, और हर थ्योरी के बाद इसका प्रैक्टिस भी मैं आपको साथ साथ करवाता चलूँगा, ताकि कोई भी चैप्टर में आपको कहीं कोई इशू ना आए। और ये चैप्टर बेहद इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इसके बाद के सभी चैप्टरों में मिलता जाएगा। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम NTPC और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात, अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थ्योरी और उसका बेसिक नॉलेज। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि रेशियो है क्या, व्हाट इज रेशियो। तो रेशियो का मीनिंग होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना, मतलब रेशियो का शाब्दिक अर्थ है, रेशियो का शाब्दिक अर्थ है तुलनात्मक संबंध। अर्थात रेशियो दो समान राशियों के बीच, देखिए मैंने शब्द लिखा है समान, रेशियो दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बीच के संबंध को दर्शाता है। और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे। अगर आपको रेशियो का सिंबल कहीं पर देखना हो, तो आप रेशियो को इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको ये कहीं पे लिखा हुआ मिले, तो आपको इसको पढ़ना है रीड एस ए इज टू बी, अर्थात ए अनुपात बी। मतलब इसको मैथमेटिकली भी, मैथमेटिकली ए बटा बी के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये रेशियो का डिफिनेशन हो गया। आगे हम लोग प्रोपोर्शन का डिफिनेशन देखते हैं। प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। देखिए समानुपात में समानुपात लिखा जाता है, मतलब समान अनुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, बराबर हो, तो उसे समानुपात कहते हैं, उसे समानुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी, और समानुपात का सिंबल इस प्रकार से होता है सी अनुपात डी। मान लिया जाए ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको आप इस प्रकार दर्शाइएगा। और इसको पढ़ना है ए इज टू बी एच सी इज टू डी, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। मतलब जैसे ए अनुपात बी है, वैसे ही सी अनुपात डी भी है। इसको मैथमेटिकली अगर लिखना हो, तो देखिए ए अनुपात बी को ए बट्टा बी लिख सकते हैं, सी अनुपात डी को सी बट्टा डी लिख सकते हैं, और ये आपस में बराबर हो। और इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो ए डी बराबर बी सी के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। ये हमारा समानुपात का डिफिनेशन हो गया। तो
तो हमें उम्मीद है कि आप अनुपात और समानुपात को अच्छे से समझ लिए होंगे कि क्या अनुपात और समानुपात का मतलब है, क्या इसका परिभाषा है, किस प्रकार इसका यूज करना है। अब आगे चलिए, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेशियो दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे ये 4:5 है, इसका मीनिंग हुआ कि अगर पहला 4 रुपया है तो दूसरा 5 रुपया होगा, मतलब अगर ये रुपया है तो ये भी रुपया होगा। अनुपात सेम जाति के रिलेशन को दर्शाता है। जैसे अगर ये 4 केजी है तो ये 5 केजी होगा, अगर ये 4 लीटर है तो ये 5 लीटर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक 4 रुपया हो और एक 5 लीटर हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी होगा तो दोनों समान जाति के बीच के संबंध को दर्शाएगा। रुपया रुपया से, केजी केजी से, लीटर लीटर से, मीटर मीटर से, गज गज से। चलिए आगे, आगे आप ये समझिए कि मान लिया जाए ये 10 रुपया हो और ये 80 रुपया हो। इसका मतलब हुआ कि अगर ये 10 रुपया और 80 रुपया हो और आपको बोलेगा कि इसका रेशियो बताइए, तो जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल देंगे, अर्थात आप जिससे वो कट रहा है उसको से काट देंगे, तो जो बच गया, जैसे 1 और 8, 10 इससे निकाल लिए, तो ये रेशियो के रूप में प्रकट हो जाएगा। और इसका रिवर्स ये है कि अगर मान लिया जाए ये 50 केजी है और ये 800 ग्राम है और आप इसको रेशियो में प्रकट करना चाहते हैं, तो रेशियो प्रकट करने के लिए दोनों के जाति को समान करना होगा, क्योंकि रेशियो समान जाति के बीच का रिलेशन दर्शाता है। 1 केजी है, ग्राम है, ऐसा नहीं हो सकता। तो या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए या तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 800 ग्राम है, इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे, ये भी केजी में बन गया और ये आपका केजी केजी ख़त्म हो जाएगा। ये 00 से 00 ख़त्म, ये 25, ये 4, ये 2, ये 5, 125:2। मतलब पहली बात तो ये कि रेशियो समान जाति के बीच के रिलेशन दर्शाएगा। दूसरा बात ये कि अगर दो अलग अलग राशि दिया हुआ है उसके बीच रेशियो निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल दीजिए, रेशियो में तब्दील हो जाएगा। आगे समझते हैं कि रेशियो का मतलब होता है दो समान राशियों के बीच गुना का संबंध। जैसे 1:8 का मतलब हुआ कि पहली राशि दूसरी राशि का 1/8 गुना है। इसको ध्यान से समझिए, गुना बतलाता है। या तो हम कह सकते हैं दूसरी राशि पहली राशि का 8 गुना है। इस चीज को आप ध्यान से समझिए, ये गुना बतलाता है, ये कभी नहीं बतलाएगा कि पहली राशि दूसरी राशि से 7 कम है, या ये कभी नहीं बतलाएगा कि दूसरी राशि पहली राशि से 7 अधिक है। रेशियो का संबंध कम या अधिक से नहीं होता, रेशियो का संबंध गुना से होता है कि दूसरा राशि 8 गुना है, पहला राशि 1/8 गुना है। चलिए आगे बढ़ते, अब ये तो हो गया रेशियो का मतलब, रेशियो का परिभाषा। अब रेशियो में कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है जिसको आपको हिसाब पे यूज करना है, जिसको हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं।
इससे पहला पॉइंट ये है कि अनुपात प्रकट करते समय, मतलब जब रेशियो फ्रैक्शन के रूप में हो और उसका आपको अनुपात प्रकट करना हो, ते समय हमें ध्यान रखना होगा कि कितना गुना के पहले जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में का अथवा से लगा रहे उसे हर देंगे तथा दूसरे को अंश। ये आपका रेशियो प्रकट करने का पहला पॉइंट। ये सब बेसिक नॉलेज है जिसका यूज होगा, और ये रेशियो नहीं, पूरे अर्थमेटिक में ये सब यूज होगा। अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि कितना गुना के पहले जिसके रिस्पेक्ट में का अथवा से लगा रहे उसे हर देंगे तथा दूसरे को अंश। जैसे इसको एग्जाम्पल के तहत हम आपको बताते हैं। देखिए, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों का 5/11 गुना है, ऐसा लिखा रहा है, और आपसे पूछे लड़का और लड़की का रेशियो बताइए, लड़का और लड़की का रेशियो बताइए। तो देखिए, सबसे पहले कितना गुना के पहले जो ये का आया है, ये किसके रिस्पेक्ट में आया, मतलब किसके संबंध के लिए आया है? तो लड़कियों के संबंध में आया है। तो जिसके रिस्पेक्ट में का अथवा से लगा रहेगा उसको डिनोमिनेटर देंगे, अर्थात हर देंगे। तो लड़कियों के लिए का आया है तो लड़कियों के लिए 11 और लड़कों के लिए बाकी बच गया अंश 5। यानी लड़का और लड़की का रेशियो 5:11 हो जाएगा। फिर से समझिए, लिखा है दूध तथा पानी के एक घोल में दूध की मात्रा पानी का 7/3 गुना है। दूध पानी का रेशियो निकालें, ये आपको बताना है। तो देखिए, गुना के पहले का जो आया है किसके रिस्पेक्ट में आया है, पानी के रिस्पेक्ट में, पानी का। तो जिसके रिस्पेक्ट में का या से आएगा उसको डिनोमिनेटर मिलेगा, अर्थात हर मिलेगा। तो पानी 3 हो गया, दूध 7 हो गया, और आपका आंसर 7:3 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया कितना गुना के पहले का जिसके रिस्पेक्ट में आएगा वो हर लेगा बाकी दूसरा अंश। लिखा हुआ था एक गांव में पुरुषों की संख्या पूरी जनसंख्या का 7/17 गुना है। तो पुरुष और महिला का रेशियो बताना है। देखिए, यहाँ लिखा पूरी जनसंख्या का, कितना गुना के पहले जो का लगाया है पूरी जनसंख्या के लिए है। तो पूरी जनसंख्या 17 हो जाएगा
और पुरुष सात हो जाएगा। तो पुरुष अगर सात है और टोटल जनसंख्या 17 है, इसका मतलब महिला 10 हो जाएगा और आंसर 10, 7:10 हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, चीनी तथा पानी के घोल में, चीनी तथा पानी के घोल में चीनी की मात्रा पूरे घोल का 0.3 गुना, है। तो चीनी पानी का रेशो निकालना है, चीनी पानी का रेशो निकाल। देखिए, अब आपको लगेगा सर कितना गुना के पहले जो का आया है वो पूरे घोल किया लिया है, तो यहाँ डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। तो आप अगर यहाँ से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर आ गया, यानी पूरा घोल 10 हो गया। अगर टोटल घोल 10 हो गया तो बाकी आपका पूरे घोल के लिए डिनोमिनेटर हर, तो न्यूमरेटर चीनी के लिए हो जाएगा, चीनी 3। तो पूरा 10 चीनी 3, इसका मतलब 10 में 3 चीनी, तो पानी हो गया 7, यानी 3:7 हो जाएगा। चलिए इस पे एक और आखिरी हिसाब करते हैं। एक धनराशि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है, ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि बी का धन ए तथा सी का 3/13 गुना है। तो बी अनुपात ए प्लस सी का रेशियो होता है। देखिए, इस बार भी कितना गुना के पहले जो का आया है ए और सी के रिस्पेक्ट में आया है, तो ए सी के लिए 13 हो जाएगा, बाकी बच गया बी, बी के लिए अंश हो जाएगा 3, यानी 3:13। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए अब पॉइंट नंबर इसका 2 समझते हैं। देखिए, पॉइंट 2 इसका कहता है कि जब अनुपात भिन्न के रूप में हो, जब अनुपात भिन्न के रूप में हो तो सर्वप्रथम उसके डिनोमिनेटर हर के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर देंगे, प्रत्येक पद को गुना कर देंगे। जैसे देखिए, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, ये फ्रैक्शन के रूप में है, इसको सिंपल कन्वर्ट करना है। तो इसके हर का एलसीएम लीजिए, 3, 4, 6 का एलसीएम 12, 12 से सब टर्म को गुना कर दीजिए। आप इसको मन ही मन करेंगे, मन ही मन करेंगे, लिख कर नहीं। 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, और आपका आंसर हो जाएगा 4:3:2। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 1/8। इसको सिंपल फ्रैक्शन में, सिंपल भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन भिन्न से, फ्रैक्शन रेशियो से सिंपल रेशियो में बदलना है। तो आपको हम बताया कि जब अनुपात भिन्न के रूप में हो तो सर्वप्रथम उसके हर के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना करेंगे आप।
तो 3, 4, 8 कैल्शियम 24, 24 से गुना करेंगे तो 3, 8, 24, 8, 2, 9, 16, 4, 6, 24, 6, 3, 18 और 8, 3, 24। आपका आंसर हो जाएगा 16:18:3। इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी अशून्य, अशून्य मतलब जीरो को छोड़कर गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ 3:4:5 और आपको आवश्यकता है इसमें 7 से गुना करने का, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि सब में करना पड़ेगा, क्योंकि गुना करने के बाद अगर इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 निकाल लेंगे तो फिर तो 3, 4, 5 ही रह जाएगा। तो आप जीरो छोड़ के किसी से भी गुना कर सकते हैं। 7:8 है, जीरो से गुना नहीं कर सकते हैं, वरना जीरो जीरो हो जाएगा। तो जैसे मुझे यहाँ पर आवश्यकता है 2 से गुना करने का, तो आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इधर गुना किए हैं तो 2 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट इसका कहता है जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए सर्वप्रथम उसके गुणांक को, गुणांक मतलब कोफिशियंट, को रिवर्स व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे। व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। जब कभी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो और आपको उसका अनुपात निकालना हो, तो सर्वप्रथम उसके गुणांक यानी व्युत्क्रम को, गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। गुणांक का मीनिंग होता है कोफिशियंट। जैसे देखिए, मान लिया जाए कहीं लिखा हुआ 2a = 3b = 4c, या कहीं लिखा हुआ है 1/2a = 1/3b = 1/4c, या कहीं लिखा हुआ है 2/3a = 3/4b = 4/5c, ऐसा, और सबका रेशियो निकालना है। तो एकदम सिंपल है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए आपको हम बताएं कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए सर्वप्रथम उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। तो ये इसका गुणांक 2 है तो ये 1/2, ये 1/3, ये 1/4, और इसका वैसे ही पिछले हिसाब की तरह एलसीएम ले लीजिए, 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 से सबको गुना कर दीजिए, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12 और 3 × 4 = 12 कट जाएगा ये, और रेशियो हो जाएगा 6:4:3। कुछ लोग इसको ऐसे भी बताते हैं कि जैसे ए बी सी निकालना हो तो आप जिसको निकालना हो उसको ढक दीजिए, बाकी को गुना कर दीजिए। तो बी और सी का कोफिशियंट 12 हो गया, बी निकालना है ए सी का गुना कर दीजिए 8, सी निकालना है ए बी का गुना कर दीजिए 6, और कटता है उसको काट दीजिए, कटना सब में चाहिए, और फाइनली आपका आंसर 6:4:3 होगा। इसमें तो इसके गुणांक को जैसे ही व्युत्क्रम के रूप में लिखिएगा तो 2:3:4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का रिवर्स 2/1, 3/1, 4/1, नीचे में 1 का कोई मतलब ही नहीं है।
तो आपका हो जाएगा दो तीन चार। इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखिएगा तो 3/2, 4/3, 5/4, एलसीएम 12 होगा, 12 से गुना कर दीजिए, 6 बार में कटेगा, 6 3 18, 3 4 12, 4 4 16, 4 3 12, 5 3 15, 18 16 15, और कोई कटने वाला नहीं है इसलिए वैसा ही आंसर होगा। आप अपनी सुविधा के लिए आप जानते हैं कि इसको पलटेंगे तो ये नीचे जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आप 2 3 4 का एलसीएम यहाँ भी ले सकते थे कि सर जब इसको पलटेंगे ये नीचे जाएगा तो उसका एलसीएम लिखेंगे, तो हम इसको नहीं लिखना चाहते हैं, यहीं एलसीएम लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 में 2 से भागा देंगे 6, 6 3 18, 12 में 3 से भागा देंगे 4, 4 4 16, 4 12 में 4 से भागा देंगे 3 5 15। तो मेंटली कैलकुलेशन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको समय एग्जाम में बचेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन बना पाएंगे। इसलिए कोशिश रखें मैक्सिमम कैलकुलेशन मन में ही करें। आगे समझिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ 2a = 3b, या लिखा हुआ है a का 30% बराबर b का 40%, तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि सर इसका दो राशि बराबर, इसका कोफिशिएंट उलट देते हैं, 1/2, 1/3, एलसीएम 6 हो जाएगा तो 3:2 हो जाएगा। एक्सपीरियंस के आधार पर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो को आपस में बराबर रहेगा तो सीधा इसका रेशियो निकालने के लिए इसके कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर देंगे, इसके कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर देंगे, क्योंकि इसको जापिएगा तो ये बचेगा तो ये 3, इसको जापिएगा तो ये बचेगा 2, एक्सचेंज ही तो करना है। जैसे ये दोनों आपस में बराबर है, परसेंटेज कट रहा है, 0 कट रहा है, बाकी के एक्सचेंज कर दीजिए, 4:3, सिंपल है। चलिए आगे देखिए, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 2:3, और आपको निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी। बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इस छोटा सा सवाल है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, यानी बी दोनों जगह अवेलेबल है, एक ही आदमी दो जगह, तो एक ही आदमी का एक ही वैल्यू होना चाहिए था, जबकि यहाँ बी बोलता है मेरे पास 4 है, यहाँ बोलता है 2 है, ऐसे कैसे होगा? बी का वैल्यू तो हर जगह बराबर होना चाहिए, तो आपको बी का वैल्यू बराबर कर देना है, यानी कॉमन टर्म को बराबर करना है। तो 4 है यहाँ, 2 है, बराबर करने के लिए यहाँ कितने से गुना करेंगे, तो 2 से 4 हो गया। आपको बताया था कि कभी भी जरूरत पड़ेगा तो रेशियो के किसी भी जगह गुना कर सकते हैं, बशर्ते शर्त है इधर गुना किए तो इधर भी करना पड़ेगा। इस प्रकार आपका ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 6 हो गया। जैसे मान लिया जाए, दिया है ए अनुपात बी बराबर 5:8 और ए अनुपात सी बराबर 3:2, और आपसे पूछ दिया ए बी सी, कौन कॉमन है केवल उस पर फोकस करेंगे, कौन कॉमन है केवल उस पर फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ कॉमन क्या है, ए, तो जो कॉमन रहेगा उसको केवल मैच कर देना है। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, आपको ऊपर 3 से गुना कर देना है और नीचे 5 से, क्योंकि एक जगह गुना करेगा तो दोनों जगह गुना करना पड़ेगा। और खाली ये ध्यान रखिए कि ऊपर में ए 15 है और नीचे में 15, यानी ए सेम है, तो जो कॉमन टर्म है उसको सेम करना है, यानी बैलेंस कर देना है, और आपको ए बी सी का वैल्यू पुट कर देना है, 15 24 10, कटेगा काटना है, नहीं कटेगा छोड़ देना है। देखिए अगर आपका सवाल इस प्रकार है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 1:2, और आपको निकालना है ए बी सी डी। जैसे मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है
ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 2:3, सी अनुपात डी बराबर 1:2, डी अनुपात ई बराबर 3:1। और यहाँ से निकालना है ए बी सी डी ई। ध्यान से इस बात को समझिए। यहाँ देखिए, ये जो कॉमन टर्म ऐसे सीढ़ी बनना चाहिए, ए बी है, बी से ख़त्म बी से चालू, बी सी, सी से ख़त्म सी से चालू, ऐसा सीढ़ी बनना चाहिए। ऐसा सीढ़ी बनता है तो ये बनाना आसान है। और बाय द वे सीढ़ी नहीं बनता है, कभी कभी लिख देगा डी सी, तो अपनी सुविधा के लिए इसको सी डी में के रूप में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ई अगर 2:1 रहेगा तो 1:2 कर दीजिएगा। इसे मान लिया जाए, यहाँ पर दिया रहता है ए बी 2:3, बी सी 3:4 और डी सी दिया रहता, तो आप तुरंत सी डी कर लेते उसको, और 2:1 रहता तो उसको 1:2 कर देते, बाकी फिर उसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट और लास्ट निकालना काफ़ी आसान है। फर्स्ट निकालने के लिए सब फर्स्ट वाला को एक साथ गुना करें। मैंने कहा फर्स्ट निकालने के लिए सभी फर्स्ट को एक साथ गुना करेंगे, तो देखिए 3 × 6 = 6, लास्ट में 4 × 3 = 12 × 24। ये फर्स्ट लास्ट निकल गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। बी निकालने के लिए ए बी, ए मालूम है बी निकालना है, तो ए को ए से डिवाइड करिए, 6/2 = 3 हुआ, और जो निकालना उसको गुना करिए 3 × 3 = 9। अब सी निकालना है तो बी से सी जाना है। देखिए, बी को बी से डिवाइड करिए, 9/3 = 3, जो निकालना है गुना करिए सी के लिए 4 × 4 = 12, 6, 9, 12, 24। ध्यान से देखिएगा तो सब के सब कटता है, 3 × 6 = 3, 3 × 9 = 3, 4 × 3 = 24, और आंसर हो गया 2, 3, 4, 8। फिर से समझते हैं। यहाँ देखिए, ये मैच कर रहा है और सीढ़ी बन रहा है ए बी बी सी सी डी डी ई, तो बेहद आसान हो जाता है फर्स्ट वाला को और लास्ट वाला को निकालना। आपको समझाया मैंने, फर्स्ट निकालने के लिए सारा फर्स्ट को एक साथ मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 = 6, 6 × 6 = 18, लास्ट वाला में 4 × 3 = 12 × 24। अब बी निकालना है तो ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, 18 में भागा करेंगे 3 से, जो निकालना है गुना करेंगे 4 से, तो 18 में 3 से भागा देंगे 6, 6 × 6 = 24। अब बी से सी निकालना है, बी में भागा देंगे 2 से, 24/2 = 12, और सी से निकालना 36, सी से डी जाना है, 36/1 × 2 = 72, फिर कट रहा है 6 से, तो काट दीजिए, 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 24, 6 × 36 = 72, 6 × 6 = 24, 3, 4, 6, 12, 4 आंसर हो गया। इसी में कुछ ऐसे भी कह दिया जाता है कभी कभी, ए अनुपात बी बराबर 2:8, बी अनुपात सी बराबर 4:3, सी अनुपात डी बराबर 6:5, डी अनुपात ई बराबर 5:1, और आपसे कह दिया जाता है ए अनुपात ई निकालने के। तो देखिए, हमने आपको बताया जब इसमें ए ई ही निकालना है तो ए बी सी डी ई सारा निकालने से क्या मतलब, सिर्फ ए बी से ए ई से मतलब रखेंगे, सारा फर्स्ट को एक साथ गुना कर दिए, 4 × 9 = 8, 8 × 5 = 40, 40 × 6 = 240, लास्ट वाला गुना करिए, 8 × 5 = 40 × 3 = 120, इसको काट दीजिए 2:1। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आसान गुना करने के लिए, क्योंकि कभी कभी नंबर टफ हो जाता है ऐसे सवालों में, तो जो लेफ्ट राइट कटता है उसको काट दीजिए, जैसे 5 से 5 कट गया, 4 × 8 कट गया, 3 × 6 कट गया और 2 से 2 कट गया। अब आप लेफ्ट राइट को आपस में गुना कर सकते हैं ए अनुपात ई, 2 यहाँ सब खत्म 1, ये हो गया।
फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे ए अनुपात बी बराबर 7:12 है, बी अनुपात सी बराबर 9:21 है, सी अनुपात डी बराबर 14:3 है, और आपको ए अनुपात डी निकालना है केवल। जब ए अनुपात डी निकालना है तो आप यदि गुना करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो जो लेफ्ट राइट में कटता है उसको काट लीजिए, क्योंकि हमको ए डी ही निकालना है, यानी फर्स्ट और लास्ट ही निकालना है, तो टेंशन ही नहीं है। काटिए 7 × 21, उसके बाद यहाँ देखिए 3 × 9, 3 × 4 = 12, यहाँ 2 × 2 = 4 और 7 × 2 = 14। बस यहाँ गुना कर दीजिए 7, यहाँ गुना कर दीजिए 3 × 2 = 6, 7:5। सिंपल है, आगे समझते हैं। अगर मान लिया जाए, कभी कभी निकालना रहता है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 2:1, डी अनुपात ई बराबर 4:3, ई अनुपात एफ बराबर 3:2, और मुझे मान लिया जाए बी अनुपात ई निकालना है। तो हम बी अनुपात ई निकालने के लिए जरूरी नहीं कि हमको ए बी सी डी ई एफ सब निकालना हो, उसके बाद बी ई को सेलेक्ट करके बी ई का आंसर देना हो। आपको बी शुरू में पूछा और ई लास्ट में पूछा, यानी ये दोनों किसी काम का नहीं है। जिससे पूछा है उससे मतलब रखिए, बाकी को हटा दीजिए, और आप लेफ्ट राइट में अगर कट रहा है तो काट भी दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, इधर बी निकालना है तो बी के लिए 2 बचा और ई के लिए 1। आप चाहें तो गुना भी कर सकते थे कि सर नहीं काटेंगे, हम गुना करेंगे तो 3 × 2 = 6 = 24 और 4 × 4 = 12 और आपका रेशियो जाएगा 2:1। आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका नंबर्स थोड़ा कैलकुलेटिव हो तो लेफ्ट राइट में कटता है उसको काट दीजिए, अगर फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है या उस टाइप का कोई सीरीज पूछ रहा है। चलिए, हम कुछ ऐसे सवाल देते हैं जो मैंने अभी आपको थ्योरी करवाया है, आप उसको बना के देखिए, इससे पता चलेगा अभी आपने जो सीखा और पढ़ा है कितना आपके पास रह पाया। देखिए, हम कुछ सवाल को लिख रहे हैं, जैसे आपका क्वेश्चन पर लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 8:9, और आपसे पूछा है ए अनुपात सी। दूसरा सवाल हम लिख रहे हैं ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 3:4, और आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। अगला बनाएंगे आप, तीसरा सवाल है W1 अनुपात W2 बराबर 2:3, W1 अनुपात W3 बराबर 1:2, और आपसे पूछा गया है W2 W3। चौथा सवाल है आपके सामने, ए का 60% बराबर बी का 3/4, आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2, आपसे पूछा है ए अनुपात सी। देखिए, अगर इस तरीके का आपके सामने चैलेंज होता है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझिए।
जैसे देखिए, अभी अभी हम आपको बताए हैं कि बी आपस में मैच कर रहा है, कॉमन है, तो बी को बैलेंस कर दीजिए। यहाँ बी 8 है, यहाँ बी 4 है, बैलेंस करने के लिए ऊपर 2 से गुना, इधर गुना, तो इसमें जितना टर्म आएगा वो सब में गुना। ए सी निकालना है तो सिंपल, ए हो गया 6, 80 हो गया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2:3। आप काट भी सकते थे लेफ्ट राइट, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी हिसाब है। देखिए यहाँ बी मैच कर रहा है, और बी मैच कर रहा है तो आपको मैच करना चाहिए, इसको बैलेंस करना है। यहाँ बी 3 है, यहाँ बी 2 है, सेम करने के लिए ऊपर 3 से गुना, नीचे 2 से गुना। देखिए बी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। जो गुना इस साइड वो गुना इस रेशियो में हर साइड, जो गुना इस साइड वो रेशियो में हर साइड। ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 8, कुछ कटता ही नहीं, नहीं काटेंगे। आगे देखिए, यहाँ W1 W1 मैच कर रहा है, तो आपको यहाँ भी मैच करना है। यहाँ W1 2 है, यहाँ W1 1 है, मैच करने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दिए। तो W2 पूछा है 3, W3 पूछा है 4। आगे समझते हैं, यहाँ देखिए एक साइड परसेंटेज है और एक साइड फ्रैक्शन है। मैंने पहले बताया रेशियो प्रकट करने के लिए समान जाति के बीच का रिलेशन चलेगा, तो या तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए 100 से गुना करके, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को 100 से गुना करने पर वो परसेंटेज बन जाता है, या तो इसको परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100 लगा दीजिए, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो चलिए इसको फ्रैक्शन ही बना लेते हैं। 20 30 60, P 25 100, और ये 3 3 कट जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो ये 4A बराबर 5B हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, जब 2 गो बराबर रहेगा तो आपस में ही इसका डाटा को एक्सचेंज कर देना चाहिए, 5:4। या तो इसके कोफिशियंट को उलट कर लिख कर फिर एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन उतना आगे जाने का क्या जरूरत है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ A बराबर B का 4/5, का मतलब होता है गुना। तो A बराबर B गुना 4/5, तो बी इसको क्रॉस अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 5A बराबर 4B। और जहाँ तक आपको मालूम है कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो इसके कोफिशियंट को सीधा उलट देंगे, 4:5। तो आपको सिमिलरली बी सी में भी ऐसे ही सोचना चाहिए, ना कि अब इसको भी करेंगे। यहाँ बी का सी का वैल्यू 5:2 होगा। आप कहेंगे इतना जल्दी कैसे कर दिए, जैसे इसमें हुआ वैसे ही इसमें हुआ। आप इसको क्रॉस गुना करिए 2B बराबर 5C। जितना आप अपने अंदर एक्सपीरियंस डेवलप करिएगा उतना ज़्यादा स्पीड आपका बढ़ता जाएगा, जितना लिखने का आदत बनाइएगा उतना लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए बी आपस में मैच कर रहा है, और यहाँ गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से ही मैच है। तो आपको निकालना है A/B/C, डायरेक्ट डाटा लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी गुना करने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। X/Y 12:5 और Z/Y 21:16, और आपसे पूछ रहे हैं X/Z। 7वां सवाल है आपके सामने। 2A/3B तथा 4B/5C A/C। अगला सवाल है आपके सामने। A/B 7:9 और B/C 1:5 ABC है। 9वां सवाल है आपके सामने।
ए अनुपात बी बराबर 5:7, बी अनुपात सी बराबर 6:11, ए बी सी आपको निकालना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5, आपको निकालना एक्स वाई जेड। देखिए ये सब बेहद आसान हिसाब है, आपको सब कुछ मैंने बता रखा है। जैसे यहाँ देखिए बाई मैच कर रहा है, आपको बाई मैच करना है। यहाँ बाई 5 है, यहाँ बाई 16 है, तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ 16 से गुना कर दीजिए। देखिए दोनों जगह बाई का वैल्यू 80 हो गया। यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और आपको निकालना एक्स जेड। तो आपको बाई से मतलब नहीं, एक्स जेड लिखिए। तो एक्स जेड गुना करने में टाइम वेस्ट नहीं करके 12 गुना 16 लिख दीजिए, जो कटेगा उसको काट दिया जाएगा। जेड का मान 21 गुना 5 लिख दीजिए। देखिए 4 3 12 7 21 कट गया, और ये 16 64:65 हो गया। आगे समझते हैं, देखिए ये और ये दिया है और ए सी पूछा है, तो सबसे पहले तो इस सिंपल ए अनुपात बी लिख दीजिए, तो ए बी तो रिवर्स हो जाएगा 3:2, और बी अनुपात सी लिख दीजिए 5:4। अब ए और सी निकालना है, तो बी तो पहले मैच करना पड़ेगा, तो बी नीचे 5 है, ऊपर 2 है, ऊपर 5 से गुना, नीचे 2 से गुना, ऊपर 5 से गुना, आपको निकालना ए और सी। तो ए तो भैया 15 हो गया और सी 8 हो गया, कटेगा ही नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ देखिए बी मैच कर रहा है, बी मैच करने के लिए ऊपर बी 9 है, नीचे बी 1 है, तो 9 से गुना करेंगे, तो ए हो जाएगा 7, बी हो जाएगा 9 और सी हो जाएगा 5। आगे देखिए यहाँ भी बी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ बी मैच नहीं कर रहा है, तो ऊपर 6 से गुना कर दिया, नीचे 7 से गुना कर दिया। देखिए दोनों जगह बी मैच हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड यहाँ 6 से गुना किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 7 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा, और फाइनली आपको ए का डाटा 30 प्राप्त हुआ, बी का 42, 80 का 77, और इसमें कुछ भी नहीं कटता है, तो आपका आंसर 30:42:77 होगा। इसको समझते हैं, देखिए 1/x का वैल्यू 2 दे रखा है, क्योंकि ये इसका वैल्यू है, ये इसका और ये इसका, तो 1/x बराबर 2 हुआ। तो सोचिए अगर 2 इधर आएगा तो 1/2 होगा, और x उधर जाएगा तो बराबर में x होगा, यानी डिजिट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसी प्रकार 1/x बराबर 2 इधर आएगा तो 1/2, और बाई उधर जाएगा तो 3 इधर आएगा, और जेड उधर जाएगा तो 1/5 होगा। और ये सब मैंने पहले से सिखाया है कि एलसीएम लीजिए 30, 30 से गुना करिए तो 15 10 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, टू ए बराबर 3b बराबर 4c, आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी, आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, यहाँ भी आपसे ए बी सी पूछा जा रहा है, और एक जगह लिखा हुआ a का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। आगे लिखा हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 3 4, और आपसे पूछ रहा है ए बट्टा बी
अनुपात बी बटा सी, अनुपात सी बटा ए। चलिए इसको पूरा करते हैं फिर आगे देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में तो आपको हम पहले ही सिखा रखे थे कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर रहेगा तो उसके कोफिशियंट को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, तो एक बटा दो, एक बटा तीन, एक बटा चार, दो तीन चार का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 से गुना कर देना है, तो 12 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 12 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 6 4 3। और इसको दूसरे तरीके से बताया कि ए निकालना है, ए बी सी निकालना है, तो ए को ढक दीजिए, बी को सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी बी सी के कोफिशियंट से, बी निकालना है तो ए सी का कोफिशियंट और सी निकालना है तो ए बी का कोफिशियंट 6, और जो कटता है उसको काट दीजिए, 6 4 3। दूसरी बात है कि इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो इसका कोफिशियंट 1/3, 1/4, 1/5, तो सिंपल उलट जाएगा, 3/1, 4/1 और 5/1, बटा में एक लिखना ही नहीं था क्योंकि एक का एलसीएम तो एक ही हो जाएगा, फिर गुना करने पर वही हो जाएगा। यहाँ देखिए ये प्रतिशत है, फ्रैक्शन है, तो आपको या तो प्रतिशत में सबको कन्वर्ट कर लीजिए या तो सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमें लगता है कि यहाँ प्रतिशत से फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जल्दी हो जाएगा, 25 चौका 100, ये 0 ख़त्म। और जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर है तो हर का एलसीएम ले लीजिए, उलट कर ये हो जाएगा 10/3, 4/1, 5/1, एलसीएम 3 हो गया तो ये हो जाएगा 10 12 15। यहाँ देखिए ए बी सी, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, बी का मान 3 है, सी का मान 4 है, सी का मान 4 है, ए का मान 2 है, इसका हर का एलसीएम लीजिए 12, तो 12 हो जाएगा, तो 3 चौका 12, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 3 9, 2 चौका सॉरी एलसीएम 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 चौ 24। कटेगा तो काटना है, नहीं कटेगा तो छोड़ देना है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग रेशियो को आगे ले चलेंगे। रेशियो मुश्किल से 8 से 10 क्लास में समाप्त हो जाएगा, उतना काफ़ी है, और हर चैप्टर का मैं इसी प्रकार से पढ़ाऊँगा भी और प्रैक्टिस भी करवाता चलूँगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, और ज़रूरत पड़ने पर इसका क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पे आ जाएगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ये आज पहला क्लास था, आगे आगे इसमें और भी सुधार होता चला जाएगा। ठीक है, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी को कोई कमी ना होने दीजिए, जब तक बंद है तब तक घर पे रह के पढ़िए, निराश मत होइए, ये सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर से हम लोग अपने पुराने ज़िंदगी में लौट आएंगे। तो चलिए हम आज का क्लास बंद करते हैं, शुभ रात्रि, बाकी कल मिलते हैं।